हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। तो काफ़ी समय से जैसे आजकल चल रहा है, लोगों की जो प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल है वो काफ़ी हैक हो रही है, और कोई भी आप थर्ड वेबसाइट से कोई भी आपको लिंक शेयर करता है, कोई भी अननोन पर्सन आप उसको ओपन करते हो और फेसबुक के पासवर्ड और जो आपकी ईमेल आईडी है वो डाल देते हो और लॉगिन करते हो। इसकी वजह से आपकी फेसबुक है वो बहुत ही ईजी तरीके से हैक हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल है वो हैक होने से बचा सके। तो चलिए सीखते हैं। उससे पहले आपको दो टिप्स बताने वाला हूँ। एक तो फेसबुक प्रोफाइल हैक होने से बचने के लिए आपकी सिक्योरिटी टाइट करने के लिए आपको क्या सेटिंग करनी होगी, जिसकी आपकी फेसबुक है वो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी है वो टाइट हो जाएगी। और दूसरी मैं बात करने वाला हूँ, जैसे आप अपना फ़ोन के अंदर जैसे फेसबुक यूज़ कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से, फिर आप फ़ोन चेंज करते हो तब आप फेसबुक के पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो, तो उस समय आपको उस फेसबुक के अंदर लॉगिन कैसे करना है ये भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपको फेसबुक की सिक्योरिटी है वो टाइट करने के लिए, ताकि कोई भी आपकी फेसबुक सिक्योरिटी या फेसबुक से छेड़छाड़ करे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे लोगों ने जो फेसबुक पे रजिस्टर्ड नंबर कर रखा है, जिसने नहीं कर रखा है वो अभी जाके कर लीजिए, ताकि आगे जो भी भविष्य के अंदर आपके काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट करने के लिए आपको क्या प्रोसेस है, क्या करना होगा, इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को बीच में स्केप बिल्कुल ना करें, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोफाइल को है वो काफ़ी हद तक है सिक्योरिटी टाइट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली अपना फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक ओपन करने के बाद में आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे नीचे आना है। फिर आपको एक ऑप्शन नीचे नीचे दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तब आप नीचे नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको आपको ओपन करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तब आपको यहाँ सिक्योरिटी के अंदर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो नीचे नीचे आपको दिख रहा होगा यूज़ टू फैक्टर, ये वाला ऑप्शन है, ये इस वाले को बाद में करेंगे, लेकिन अभी गेट अलर्टिंग अबाउट जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेटिंग अप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के अंदर, तो वहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे ये ओपन हो जाए तब इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, मैसेंजर ऑन करना है, और टेक्स्ट मैसेज जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी ऑन रखना है, जिससे क्या होगा आपकी फेसबुक की जो ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी को भी पता होगा और वो बंदा लॉगिन करेगा, लॉगिन करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल पे कि इस फ़ोन के अंदर ये मोबाइल है आपका जो अकाउंट है वो एक्सेस हुआ है या ओपन हुआ है, तब आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने सब ऑन कर रखा है, आप भी यहाँ सिंपली जाके सबको क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑन करने के बाद भी आपको सारे के सारे पीछे आ सकते हो, और आपको यहाँ पे कोई भी अदर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर भी लॉगिन करना है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बाद में यूज़ टू फैक्टर ऑथराइजेशन, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मेरा यहाँ से पहले से ही ऑन हुआ हुआ है। इससे क्या होगा, जैसे मैं आपको एक बार ऑफ़ करके और मेरा वाला वापस रजिस्टर्ड करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सिंपली आपको यूज़ टू फैक्टर यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको एसएमएस पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, और जिससे किसी भी बंदे को आपको मान लो पासवर्ड और ईमेल दोनों पता है फिर भी वो लॉगिन करेगा, तब आपके जो फेसबुक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपके एक पास मैसेज आएगा, ओटीपी आएगी, वो ओटीपी लगाने पे ही आपके फेसबुक के अंदर लॉगिन कर पाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज पे ओके करना है और कंटिन्यू करना है। एक नंबर चूज़ करना है, जैसे मैंने मेरा नंबर फर्स्ट वाला नंबर है वो चूज़ कर लिया और उसको कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिटल ओटीपी आएगी, और ये ध्यान रखना ये 1 टाइम ओटीपी है, और मैं इसको वेरीफाई करने के लिए कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने ये ओटीपी पेस्ट की और कंटिन्यू कर दिया और डन कर दिया, डन करने के बाद में ये ऑन हो जाएगा ऑप्शन, ये देखिए ये ऑन हो गया।
और देख यहाँ पे आप देख रहे हो ना योर सिक्योरिटी मेथड, यहाँ पे मैसेज आ गया। जैसे भी कोई अब बंदा लॉगिन करेगा जिसको मेरी फेसबुक के ईमेल आईडी या पासवर्ड पता है, फिर भी वो लॉगिन करना चाहेगा तो मेरे मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसके अंदर एक ओटीपी आएगी, और वो ओटीपी डलने के बाद में ही फेसबुक के अंदर लॉगिन कर सकते हो। तो इससे क्या होगी, आपकी फेसबुक हैक नहीं होगी, आपकी फेसबुक आपकी रहेगी, आप आसानी से चला सकते हो, कोई भी आम बंदा है वो आपकी फेसबुक पे अटैक नहीं कर पाएगा और आप बहुत ही सिक्योर हो जाओगे। तो दोस्तों ये मेथड है वो आप ज़रूर करिएगा अपनी फेसबुक के अंदर। तो नॉलेज मिल रहा है दोस्तों आपको, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो एक लाइक तो बनता है। तो इससे क्या होता है, जैसे आप कोई भी थर्ड वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ पे आपको लगता है कि वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं है, उस पर आप विजिट करते हो, विजिट करने के बाद में जैसे ही जस्ट आपसे फेसबुक की ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगते हो, तो उस जो वेबसाइट का ओनर है उसके पास आपके जो प्राइवेसी है वो सारी लीक हो जाती है, और इस कारण से ऐसे लगभग फेसबुक हैं वो हैक होती है, या कोई आपके अननोन पर्सन आपको लिंक भेजता है, आप उस लिंक पे विजिट करते हो, विजिट करने के बाद में फेसबुक के जो ईमेल और पासवर्ड मांगते हैं इसे बहुत ही आसानी से हैक हो जाते हो। तो अब आप यदि ये सेटिंग जो मैंने बताई है वो आप कर लोगे तो आप बिल्कुल भी हैक नहीं होंगे, क्योंकि जिस बंदे को आपके ईमेल और पासवर्ड दोनों पता है फिर भी वो लॉगिन करेगा तो एक वन टाइम ओटीपी आएगी, वो ओटीपी लगाने के बाद ही वो रजिस्टर कर पाएगा, और जो मोबाइल नंबर है वो आपके होंगे उसके अंदर, जिसकी वजह से वो बंदा है उसके अंदर लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये सेटिंग ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, जिससे वो भी अपने मोबाइल के अंदर ऐसी सेटिंग कर सके जिसकी वजह से उसका जो फेसबुक है वो भी हैक न हो। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर दो पे। बहुत सारे ऐसे, जैसे हम लोग फेसबुक को लॉगिन करते हैं या अदर जो जैसे कोई भी मोबाइल चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के बाद हम लोग क्या है अपनी फेसबुक के पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना होगा, उसका क्या प्रोसेस है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी फेसबुक जो खोल ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में फर्स्ट में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी मांगेगा, तो मान लो मुझे सिर्फ ईमेल पता है और मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो मैं अपनी मेरी ईमेल लगा देता हूँ और मैं पासवर्ड है वो भूल चुका हूँ, तो मुझे क्या करना है, सिंपली बिना पासवर्ड के तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे नीचे आपको एक दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा, पर्सन का चिन्ह लगा हुआ है, वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तब मेरे को यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद में देखो जैसे ही फॉरगेट करूँगा तो मेरी ईमेल आईडी की डिवाइस के अंदर आ गया कि ये आईडी आपकी, तो इसके अंदर मैं जैसे ही कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करने के बाद में इन दोनों नंबरों पे एक ओटीपी गई है, जैसे मेरे मोबाइल लिए देखो ओटीपी आ गई, मैं इस ओटीपी को यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑटोमेटिक ही हो जाता है ये, तो ऑटोमेटिक ये ओटीपी ले ली इसने, और अब मैं कंटिन्यू कर दूँगा। और अब न्यू पासवर्ड आप जो भी यहाँ पर क्रिएट करना चाहो, तो जैसे मान लो मेरे को मेरे हिसाब से मैंने अपना न्यू पासवर्ड है वो क्रिएट कर लिया, और आप भी अपने हिसाब से न्यू पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेना। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, अच्छी लगी? यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक तो करना ही है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।